और भाई ऐसे बाइक को चलाना काफ़ी मुश्किल होता है। इसमें टंकी के जस्ट ऊपर ही बैठा हूँ ऑलमोस्ट। तो भाई आप भी बोलोगे हर्ष भाई क्या चल रहा है, कभी क्लासिक आ रही है, कभी बुलेट एक्स आ रही है, कभी कुछ कभी कुछ। काम 25 है। तो भाई फाइनली अब टाइम आ चुका है हम अपने गोप्रो के ऊपर टेम्पर ग्लास लगाए, क्योंकि अब इसको मोटो व्लॉग करना है तो भाई प्रोटेक्शन कर लेते हैं। जब ले ही रखा है टेम्पर ग्लास तो ये है एक्शन प्रो का और इसका MRP जो 499 है और काफ़ी अच्छा टेम्पर है ऐसा सुनने में आया है मुझे काफ़ी सस्ता पड़ा है। और अगर जानना है कितने का पड़ा तो भाई लास्ट वाली वीडियो देख लो, पता लग जाएगा कितने का पड़ा। अब करते हैं भाई इसकी अनबॉक्सिंग और इसे लगाते हैं, क्योंकि मैंने लाइफ में आज तक कभी पहले टेम्पर ग्लास नहीं लगाया तो आई डोंट नो कैसा रहने वाला है। तो इसके साथ हमें मिला एक छोटा सा क्लोथ, एक छोटे छोटे क्लोथ सॉरी, जिसमें एक ड्राई है एक वेट है, और ये है हमारे टेम्पर ग्लास जो कि एक फ्रंट स्क्रीन के लिए है यहाँ के लिए और एक बैक स्क्रीन के लिए। तो ये है हमारा लेंस के लिए, ये है हमारा फ्रंट स्क्रीन के लिए, और ये है हमारा फ्रंट मतलब ये जो बैक स्क्रीन है इसके लिए। तो पहले हम इधर बैक स्क्रीन पे लगाते हैं, उसके बाद देखेंगे फ्रंट स्क्रीन पे लगा के, ठीक है। तो ये भाई फाइनली लग चुका है, अब हम ये वाला पील ऑफ कर देंगे। अब लगाते हैं हम मेन लेंस के ऊपर, वेट क्लोथ से इसको क्लीन कर लेंगे, उसके बाद हम ड्राई क्लोथ से कर लेंगे। मस्त एकदम चिकना हो गया है। तो भाई फाइनली टेम्पर्ड ग्लास मस्त लग चुका है, आगे भी और पीछे भी। पीछे थोड़ा सा जो है बबल आ गया, बट चलो भाई इतना चलता है, सेफ्टी पहले है। ठीक करते हैं, ये मेरा हेलमेट, इसके ऊपर यूलांजी का केस मैंने यहाँ पे लगा दिया है, और ये जो आप MC देख रहे हो ना भाई, ये मैंने पहले जब मैं अपना एक्शन कैमरा यूज़ करता था Firefly 8 SC, इसी टाइम पे ही मैंने ये MC लगाई थी, और ये काफ़ी भैड़ी लगती है, मतलब देखने में अच्छी नहीं लगती, मैंने ब्लैक टेप करी हुई है ऊपर, बट स्टिल इससे पक्का और तगड़ा जुगाड़ अभी तक कोई भी नहीं है मार्केट के अंदर में। काफ़ी स्ट्रैप्स वगैरह आती है, लेकिन वही बात है, जब मेरे पास ये हो रखा है तो फिर मैं उसको क्यों करता। तो मैंने बस उसके ऊपर यहाँ पे अपना यूलांजी का केस लगा दिया है, अंदर माइक अडाप्टर लगा दिया अगर आप देख पाओ तो, और अब हम पुराने वाले माइक को बाहर निकालते हैं। तो इसके लिए मैंने बोया का माइक लिया है, जो कि इसके अंदर मस्त घुमा फिरा के फिटिंग कर देंगे और फिर यूज़ करेंगे। जल्दी से आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो भाई फाइनली माय मोटो व्लॉगिंग सेटअप इज़ टोटली रेडी। यहाँ पे लगा दिया हमने अपने GoPro को, यहाँ पे लगा दिया माइक अडाप्टर, ये रे माउंट्स एंड ये रहा माइक। अब आप लोगों को जो मेन चीज़ दिखानी है ना भाई, वो ये है कि जो माइक है ना मैंने बोया का लगाया, और बोया के साथ ना कंडेंसर आता है माइक का, तो वो मैंने यहाँ अंदर के फिट करा है, क्योंकि ये वाला जो है मेरे को कुशन लगाना यहाँ पे है नहीं, क्योंकि ये लगाने का भाई हेलमेट बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता है। तो मैंने क्या करा, एक वाला कुशन हटाया हुआ तो पहले से ही था, तो यहाँ पे मैंने इसके साथ जोड़ के इसका कंडेंसर लगा दिया एंड माइक की वायर अंदर पूरी घुमा दी पूरे कुशन वगैरह खोलने के बाद में, और जो माइक है वो यहाँ पे मैंने फिट कर दिया है। अब जल्दी से चलते हैं बाइक के ऊपर एंड टेस्ट करते हैं भाई कैसा इसका ऑडियो सेटअप आ रहा है, प्लस बाइक के साथ कुछ काम भी है वो भी करते हैं। सो लेट्स गो। तो भाई जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं उनको पता होगी ये बाइक कौन सी है, वैसे बता देता हूँ दोबारा से, ये रॉयल इनफील्ड क्लासिक मेरे चाचू की बाइक है, तो उनको कुछ काम था तो वो यहाँ पे छोड़ गए, एंड हम लेंगे इसके टेस्ट ड्राइव और चला के देखते हैं। और क्लासिक का जो रिव्यू है बेसिकली BS3 मॉडल है, तो काफ़ी लोग पूछते हैं कि यार BS3 खरीदनी चाहिए BS4 या BS6, सेकेंड हैंड की बात करूँगा, तो अगर BS3 खरीदनी है तो अगर मैं टेस्ट राइड लेके आप लोगों से अपना रिव्यू शेयर करता हूँ, प्लस भाई चला भी लेते हैं। कब ना वा है ही नहीं है ना, हवा ही भरवा देता हूँ। तो भाई पीछे वाले टायर में या तो पंचर है या हवा कम है, बट हमने कहा भाई हवा भरवा देते हैं बाइक में और टेस्ट राइड भी ले लेंगे छोटी सी। तो पहले चलते हैं पेट्रोल पंप और वहाँ जाके हवा भरवाते हैं, देन मिलता हूँ मैं आप लोगों से। आप लोगों को एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन भी दे देता हूँ कि कभी टायर में हवा ना हो या पंचर हो तो आगे खड़े होकर के आप बाइक का वजन आगे वाले टायर पे डालो और फिर बाइक को लेकर के जाओ, इससे पीछे वाले टायर के ऊपर जो है जोर कम पड़ेगा और आपकी जो बाइक है वो थोड़ा डिस्टेंस कवर अप ज़रूर कर लेगी, जैसे मैं अभी कर रहा हूँ। मैं भी इस समय टंकी के जस्ट ऊपर ही बैठा हूँ ऑलमोस्ट दिखाऊँ तो, और ऐसे बाइक को चला रहा हूँ। हाँ तो भाई एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दूंगा कि इसकी जो टायर की जो ट्यूब थी वो ख़राब हो चुकी है, तो मेरे चाचू से बात करें तो उन्होंने जो है टायर ही चेंज कराना है, तो इसलिए मैंने ट्यूब अभी इसमें नहीं डलवाई और मैं घर लेके जा रहा हूँ। वैसे मेरा घर ज़्यादा दूर नहीं है, बट इट इज़ नॉट रिकमेंडेड कि आपका जब टायर पंचर है, हवा कम है, या जब पीछे वाला टायर फ्लैट है तो उसको ज़्यादा लंबा चलाओ, उससे आपके रिम में जो है दिक्कत आ सकती है, रिम बेंड हो सकता है, बट बस इसी चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी है यार, जो मुझे लगा आप लोगों से शेयर करना चाहिए तो मैंने कर दिया। बाकी अभी टो करता हूँ मैं बाइक को, घर लेके जा रहा हूँ। बाइक चली अराउंड 44,000 किलोमीटर्स,
तो अच्छी खासी चल रखी है भाई, लेकिन फिर भी जो इंजन के अंदर जान है ना वो मुझे लिटरली अभी फील हो रही है। और जो उसका थंप है BS3 का, बहुत 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 सही है। आज का रिव्यू तो टोटली फेल हो गया BS3 का, बट स्टिल जो थंप है ना बाइक का, आई कैन फील इट यार, आई कैन फील इट। मेरी जो BS4 है उससे ज़्यादा है, BS6 से तो कहीं ज़्यादा है। तो अगर आप लोग देख रहे हो आपको थंप चाहिए और BS पुराना बाइक ले रहे हो, तो BS3 को डेफिनेटली यू कैन कंसिडर अगर आप सेकेंड हैंड बाइक ले रहे हो और आपको अगर अच्छी कंडीशन में बाइक मिल जाती है। चलो चले नीले गगन को, बॉस को भी बाहर निकालना है, बॉस के ऊपर भी कुछ काम धंधा है, लाइक पोल्यूशन वोल्यूशन कराना है बाइक का, वो भी कराते हैं। आज काफ़ी बिजी दिन था, बट क्या करे, काम तो करना ज़रूरी है, करना ही है। और भाई ऐसे बाइक को चलाना काफ़ी मुश्किल होता है, आपको सारा वेट आगे डालना है, बस एक ही फिजिक्स है इसमें, वेट आगे डालो और अगर पंचर आगे है तो वेट पीछे डालो, सिंपल सी बात है। कर लोगे तो मज़ा आएगा, नहीं तो फंस जाओगे। A few moments later. तो भाई आप भी बोलोगे हर्ष भाई क्या चल रहा है, कभी क्लासिक आ रही है, कभी बुलेट एक्स आ रही है, कभी कुछ कभी कुछ। तो भाई प्लान तो था बाइक का पोल्यूशन कराना है, लेकिन मैंने कहा शाम को निकल रहे हैं तो गेड़ी मार के आते हैं, और जब हमारा नया एक्शन कैमरा बना है, हमारा ब्लॉगिंग सेटअप बना है, तो गुरुद्वारे चल के मत्था टेक के आते हैं, वहाँ पे थैंक यू बोल के आते हैं गॉड को कि हमारे वाला ड्रीम पूरा करने के लिए, भाई थैंक यू। तो चलते हैं भाई, कोल्ड स्टार्ट मैंने बाइक को कर दिया था, पेट्रोल डलवाना है क्योंकि पेट्रोल बिल्कुल भी नहीं होगा बाइक के अंदर में। एंड भाई व्लॉगिंग सेटअप क्वालिटी कैसी आ रही कमेंट करके ज़रूर बताना, तो मम्मी कह रही बाहर का कुछ मत खाना। चलो भाई जय माता दी, बाइक के अंदर पहले पेट्रोल डलवाएंगे फिर चलेंगे आगे। तो इंटर तो देना बनता है ना। सो हे गाइस वेलकम बैक टू द चैनल, तो कैसे हो आप लोग, मैं हूँ आपका होस्टिंग दोस्त हर्षानी। तो भाई कैसी क्वालिटी आ रही कमेंट करके ज़रूर बताना, और चलते हैं पहले पेट्रोल भरवा दो फिर मैं आप लोगों से आगे मिलता हूँ। तो भाई पेट्रोल डलवा दिया और बॉस का पेट हमने पूरा फुल भरवा दिया है, फुल तो नहीं करवाया बट हाँ अच्छा खासा पेट भर चुका है। अभी बोलेगी नहीं कि मुझे भाई भूख लगी है पानी दो, भूख लगी है पानी दो। एक इंसिडेंट छोटा सा आप लोगों से शेयर करूँगा, पेट्रोल की बात आई तो मैं लास्ट टाइम जब चांदनी चौक गया था, तो चांदनी चौक से आते समय मेरी, अगर आपने लास्ट व्लॉग देखा हो तो मेरे एक्शन कैमरे में बैटरी नहीं थी तो मैंने व्लॉग नहीं करा। तो आते समय धोला कुआं के पास मुझे एक बंदा मिला, उसने बोला भाई एक मिनट रुको, कि मैंने कहा हाँ जी भाई बताओ क्या हुआ। तो उसने बोला कि मेरी गाड़ी का पेट्रोल बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और मैं जो हूँ वीडियो शूट पर जा रहा हूँ, तो प्लीज़ आप, यार एक तो जाने नहीं देता एम्बुलेंस को, तो प्लीज़ आप मुझे थोड़ा सा पेट्रोल दे सकते हो। मैंने कहा भाई बिल्कुल दे सकते हैं। तो मेरी बाइक भी वैसे उस टाइम पे रिजर्व पे ही लगने वाली थी, लेकिन मैंने जितना हो पाया आधा एक लीटर उसको निकाल के मस्त पेट्रोल दे दिया और कोई भी वीडियो शूट नहीं करी। इससे मैं ये बताना चाह रहा हूँ, वीडियो शूट करना ना करना बिल्कुल भी मायने नहीं रखता, मायने रखता आप लोगों की हेल्प करो। वो थोड़ा सा पेट्रोल से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन भाई उस बंदे की जो परेशानी थी वो दूर हो गई। और वैसे भी मैंने भी उसे यही चीज़ बोली थी कि भाई, उन्होंने मुझसे बोला कि आप मुझसे पैसे ले लो ये वो, मैंने कहा पैसे का मैं क्या करूँगा, मुझे पैसे नहीं चाहिए, बट आगे कभी कोई फंसा हो तो उसकी मदद कर देना। ये थोड़ा फिल्मी लगेगा लेकिन एक्चुअल में काफ़ी सही चीज़ है। और जब जो बंदा इंसान फंसा होता है ना, उसी को पता होता है कि कैसा लगता है जब वो फंसता है। तो अभी तो भाई ट्रैफिक है, मैं आप लोगों से मिलता हूँ आगे जहाँ पर खाली रोड जाती है ना। तो भाई ये सेटअप अभी मेरे लिए बिल्कुल न्यू है, तो मुझे पता नहीं ऑडियो कैसा कैप्चर हो रहा है, वीडियो कैसा कैप्चर हो रहा है वो सब, क्योंकि अभी मिड लाइट हो चुकी है, मतलब ऑलमोस्ट जो अंधेरा होने वाला है। तो इस टाइम पे कैसी क्वालिटी आ रही है ये तो यार, जब मैं एक्चुअल में एडिटिंग करने बैठूंगा ना मुझे तभी पता लगेगा। एंड मैं पहुंचने वाला हूं गुरुद्वारे, और जब भी कोई लाइफ में कुछ अच्छा होता है ना या कुछ बुरा भी होता है, मैं तब भी गुरुद्वारे जाता हूं। अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हो ना तो आपको पता होगा मैं काफ़ी ज़्यादा डिवोशनल हूं, मतलब कह लो या फिर मतलब जो भी है, मेरा मानना यही है कि जो भी होता है ना ऊपर वाले की मर्ज़ी से होता है, और जो होना होता है वो होता है, और जो नहीं होना होता है ना भाई वो नहीं होता, जो मर्जी कर लो। तो बस बाकी सब बढ़िया है। और यहाँ दिल्ली में ठंड आ चुकी मस्त वाली, और मेरा तो प्लान यही था कि पोल्यूशन कराऊंगा बाइक का मस्त और फिर घर आ जाऊंगा, तो एक छोटा सा व्लॉग बन जाएगा वो सब। बट फिर मैंने कहा यार जब निकल ही रहे हैं तो फिर अच्छा सा घूम के आते हैं, फिर भाई ने बोला चलो भाई चलते हैं, तो हमने कहा भाई चलो कनॉट प्लेस होकर आते हैं, क्योंकि मेरे को जाना तो था राइड पे, या तो मैं आज निकलता या मैं कल मॉर्निंग में निकलता। तो मैंने कहा यार आज शाम को ही निकलते हैं, मस्त मूड हो रखा है, बस निकल जाते हैं और बस आ गए हम। मैं एक चीज़ नोटिस कर रहा था कि भाई हमारे चैनल के ऊपर फॉर एग्जांपल लेट से 500 व्यूज़ आते हैं, ठीक है, 500 व्यूज़ के ऊपर जो हमारे लाइक्स आते हैं ना वो 50 भी नहीं आते, मतलब 10% रेशियो है भाई। आप सब लोग इतने प्यार करते हो तो यार लाइक कर दिया करो प्लीज़, और कुछ करो मत करो, मैं कहता हूँ लाइक और एक कमेंट कर दिया करो भाई, मेरा दिन बन जाता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि भाई जब इतनी मेहनत से हम कोई ब्लॉग बनाते हैं और भाई उसके ऊपर लाइक्स वगैरह आते हैं तो अच्छा लगता है, मतलब मज़ा सा आता है। और दूसरा काफ़ी लोग मुझसे ये भी बोलते हैं कि भाई आपके इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स इतने कम क्यों हैं, यूट्यूब पे तो इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, तो भाई इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो यार, क्या कर रहे हो आजकल है।
फाइनली माथा टेक लिया मैंने और अब चल रहे हैं घर की तरफ। तो आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं, ख़त्म करते हैं। एंड वैसे भी रात हो चुकी है, मैं घर जाके सोऊंगा, सोते हुए ब्लॉग करूँ। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड क्वालिटी कैसी आ रही है व्लॉगिंग की बताना, माइक क्वालिटी एंड वीडियो क्वालिटी, और अभी जो लो लाइट में क्वालिटी आ रही है वो भी बताओ भाई। और मैं अपने भाई के साथ हूँ, हेलो करते भाई। यो, तो मिलते हैं किसी और दिन, तब तक ले बाय। एक डिसएडवांटेज होती है जब बड़ा भाई होता है ना, तो भाई वही चलाता है, तो क्या करें। I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on.